हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जाकर कर दो। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। मैंने लगा ली दो स्लैश, क्यों? आपको पता है, आपको मैंने बताया भी था ताकि अपना कोड एरर नहीं दे, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक कॉमेंट आपको समझाने के लिए, सेंटेक्स लेने के लिए। ठीक है, एफ का सेंटेक्स लिखता हूँ। एफ लिख के इसके अंदर आती है जो भी कंडीशन है, जिस कंडीशन को अपन लगा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लिख के, ठीक है, इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, जो भी कोड है, तो मैं क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कोड एग्जीक्यूट करवाना है। और जो कोड एफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो जो वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, एल्स एल्स पार्ट में जाएगा, जो वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर सिमिलरली मैं लिख लेता हूँ स्विच केस का सेंटेक्स। स्विच यहाँ पर क्या लेता है, एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है उस पर आपको केसेस परफॉर्म करने हैं, तो ये एक्सप्रेशन लेगा, तो जहाँ पे जो भी केसेस हैं वो चेक करेगा, जिस केस से मैच होगा उस केस का जो भी आउटपुट है, जो भी कोड है, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, एफ एल्स का समझाता हूँ। पहले एफ एल्स के लिए मैं आप सपोज आपको एग्जाम्पल लूँ, कोई नंबर है आपको चेक करना है, इवन है ऑड, कैसे चेक करोगे, कंडीशन लगाओगे ना, तो कौन सी यूज़ करोगे? सपोज आप उनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एफ एल्स कंडीशन यूज़ करके बताता हूँ। सपोज मैंने इन टाइप का एक नंबर लिया ए इक्वल्स टू 5, चेक करना है कि ऑड है, देख के तो बता सकते हो ऑड है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ऑड है। तो मैं यहाँ पे इफ एल्स का यूज करके इसको करते हैं। ठीक है, इफ ए मोड 2 इक्वल्स टू 0, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है ए को अपन 2 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये मोड का साइन है, जी क्या करता है, रिटर्न करता है। अपन जो भी नंबर है ए, उसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आ रहा है, उसको रिटर्न करता है। ठीक है, तो ए को अपन 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू इक्वल 0 हो गया, मतलब क्या इवन है। सिंपल सी बात, अपन यहाँ प्रिंट करा देंगे द गिवन नंबर इज इवन, और ये नहीं है तो कहाँ पर जाएंगे, अपन जाएंगे अपने एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में जाके एल्स साउट लिख देंगे, क्या द गिवन नंबर इज नॉट इस ऑड ही चले देते हैं। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, दी गिवन नंबर इज अ ऑड नंबर। सिंपल सी बात है भाई, 5 ऑड ही तो है यहाँ पे। सपोज मैं चेंज करता हूँ उसको 56, अब बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ, दी गिवन नंबर इज इवन। बिल्कुल सही, क्यों भाई, 56 भाई इवन नंबर है, कोई भी बता देगा, देख के इसको डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स इवन नंबर है, समझे। तो ये इफ एल्स का कंडीशन का आपको मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया। ठीक है, और आप इसको अपने कोड में यूज कर सकते हो, और बहुत जगह यूज भी होगा। अब स्विच का एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। सपोज मैं यहाँ पर कंडीशन रखता हूँ, एक नंबर है इंट बी इक्वल्स टू 2, 3 दे दिया। ठीक है, मेरे को चेक करना, अगर ये नंबर 1 से लेके 3 के बीच में 1, 2, 3 इन तीनों में से कोई है तो उसका इंग्लिश में नाम लिखना है, 3 है तो 3 लिख दे इंग्लिश में, ठीक है, 1 है तो 1 लिख दे, 2 है तो 2 लिख दे, अदरवाइज कुछ नहीं लिख। तो क्या करूँगा, स्विच केस लगाऊंगा कि स्विच, उसमें ले दूंगा एक्सप्रेशन कौन सी, बी, इस पर सारे केस परफॉर्म करेंगे। केस वन क्या है, केस वन ए है, अगर 1 होगा वो जो बी की वैल्यू, अगर 1 है तो क्या रिटर्न कर दे, 1 प्रिंट कर दे भाई बस। और प्रिंट करके यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक। ब्रेक क्यों यूज करते हैं, ब्रेक इसलिए यूज करते हैं किसी भी लूप या कुछ भी कंडीशन से बाहर आने के लिए। ठीक है, बस जिस भी केस से मैच होगा बस वहां से ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। केस 2, ठीक है, केस 2 में क्या लिखेंगे, सिंपल 2 लिखेंगे यार, और क्या लिखेंगे, चेक होता है और ट्रू होता है उसके बाद ब्रेक हो जाए, आगे वाले में जाने की जरूरत ही नहीं है, अपना मैच हो गया। केस 3 साउट 3, ठीक है, क्या हो गया, उसके बाद इसको भी कर देंगे ब्रेक। अगर इन तीनों में से कोई सा मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट केस लिखते हैं, डिफॉल्ट उसमें लिखेंगे अपन दी अबव केसेस आर नॉट मैच्ड। ठीक है,
इनमें से कोई सा भी केस मैच नहीं किया। अपने बी में दिया है थ्री, आना चाहिए आउटपुट क्या, थ्री। रन करा के देखते हैं, दी गिवन नंबर इज इवन। ये तो इवन क्यों कर रहा है, क्योंकि अपना जो ऊपर वाला कोड था ए किया, क्योंकि जो 56 है वो इवन है। और ये थ्री आ गया, देख लो आ गया थ्री, टी एच आर डबल ई भाई आ गया। सपोज मैं इसको चेंज कर दूं, इसको टू कर देता हूँ, अब देखते हैं टू देता है कि नहीं देता। वो इवन वाली लाइन ऊपर वाले कोड की है, आ गया टू। सपोज मैं 1 2 3 के अलावा और भी कुछ कर देता हूँ, सपोज मैंने कर दी 7, अब क्या आता है आउटपुट भाई? अब बोल रहा है दी अबव केसेस आर नॉट मैच, जो भी केसेस थे भाई वो मैच ही नहीं हुए, है ही नहीं उनकी वैल्यू बस। तो ये क्या था अपना सिंपल सा भाई स्विच केसेस और इफ एल्स स्टेटमेंट देखे। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।